फ्रैक्शन की टाइप्स की बात हो रही है कि फ्रैक्शन कितनी टाइप्स का होता है, तो फ्रैक्शन की दो बड़ी टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरे को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या फ़र्क है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके अंदर ऊपर वाली रकम छोटी और नीचे वाली रकम क्या होती है, बड़ी होती है, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके अंदर ऊपर वाली रकम बड़ी, नीचे वाली छोटी, या ऊपर और नीचे दोनों रकमें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स नंबर फॉर्म में, जैसे अगर हमारे पास हो 10/7 तो हम 10 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 and 3/7। ये इम्प्रॉपर, ये शक्ल इम्प्रॉपर कहलाती है, और ये वाली शक्ल जो है ये कहलाती है मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर क्यों कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं, एक 1 और एक 3/7। एक्चुअली ये जो 1 and 3/7 वाली फॉर्म है इसकी असल मीनिंग है 1+3/7, यानी ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि प्लस हो रहा है, लेकिन प्लस का निशान बीच में नहीं लिखा हुआ। तो 1 क्या है, एक होल नंबर है, और 3/7 क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन और होल नंबर की मिक्स फॉर्म क्या कहलाती है, मिक्स नंबर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगली बात हमारे सामने जो आती है वो ये कि अगर हम कंपेयर करना चाहें, अगर हम कंपेयर करना चाहें तो किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है, उसका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। तो रूल हमारे सामने आया, टू कंपेयर टू डेसिमल्स फॉलो दीज रूल्स। अगर दो डेसिमल को कंपेयर करना है तो इन रूल्स को फॉलो करें। रूल्स हमारे सामने लिखे हैं, विच नंबर एज द ग्रेटर नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज ग्रेटर। अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे जो नंबर हैं उनमें फर्क है तो जिसका वो नंबर बड़ा होगा उस डेसिमल को आप कहेंगे कि वो वैल्यू क्या है, बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक में लिखा है 13.7, दूसरे में लिखा है 23.9, तो डेसिमल से लेफ्ट पे इसमें 23 है इसमें 13 है, तो 23 ग्रेटर है और 13 स्मॉल है। ये हम सिंबल यूज़ कर सकते हैं, हम जानते हैं सिंबल में जिधर दो साइडें होती हैं वो बड़ी साइड होती है और ये छोटी, और इसको बोलते हैं लेस दैन। तो 13.7 इज लेस देन 23.9। इस तरह हम इनका आपस में कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो कि पहली वैल्यू सेम हो, इफ नंबर टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल आर इक्वल, तो फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे फॉर एग्जांपल ये भी 13.7 है और वो भी 13 पॉइंट है, फिर ये देखेंगे कि उससे नेक्स्ट वैल्यूज की क्या सूरत हाल है। जैसे इसमें लिखा है 13.71 और दूसरे में लिखा है 13.712, तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद अगर हैं तो फिर हम ये करेंगे कि पहला डिजिट पहले से कंपेयर करेंगे, अगर उसमें फर्क हो तो जिसका बड़ा होगा वो फैक्टर बड़ा होगा, और अगर जो है वो हम सेम देखते हैं जैसे यहां सेम है तो फिर उससे नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे, 1 है उधर भी 1 है, ये भी इक्वल आया, अब भी फैसला नहीं हुआ, फिर तीसरे डिजिट को देखेंगे, इसमें तीसरा डिजिट है ही नहीं तो दैट मीन 0 है, और उसमें 2 है तो 2 बड़ा होता है 0 से, इसका मतलब है ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो इस तरह डेसिमल में फैसला हो सकता है कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। एक और मिसाल ले लेते हैं, 1.83 है और 1.823 है, तो डेसिमल से पहले इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो लेफ्ट की बेस पे फैसला नहीं हो सका, राइट पे आएंगे, पहला डिजिट इसका 8 उसका भी 8, फैसला नहीं हुआ, उससे अगला इसका 3 उसका 2, तो 3 बड़ा होता है 2 से, तो इसलिए ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया वो फ्रैक्शन छोटा हो गया, ये सिंबल जो है ये ग्रेटर देन कहलाता है, तो ग्रेटर देन 1.83 जो है वो ग्रेटर देन है 1.823 से, ये उससे बड़ा है। ये फैसला हुआ बड़े छोटे का डेसिमल्स की शक्ल में। तो अगर फ्रैक्शंस की शक्ल में हो तो फिर